Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. I welcome you to the channel Physics Junction by TK Kural. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ग्रेविटी टॉपिक किया था, जिसमें हमने उसके यूनिट्स वगैरह जो भी उसके ऐसे यूनिट्स है, डायमेंशनल यूनिट्स है, वो सब हमने उसका किया था. बट हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे सो दैट आपके लिए उसे समझना ईजी हो जाए. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज द रेडियस ऑफ मून इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स एंड मास इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी. इफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस. सो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है. हमें सबसे पहले गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ मून. मून की रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है. तो सबसे पहले हम मून की रेडियस लिखेंगे. उसके बाद हमें क्या गिवन है, मास ऑफ मून. मून का मास हमें गिवन है, वो हमने लिख लिया. देन उसके बाद हमें क्या गिवन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने वो वैल्यूज यहाँ पे लिख ली. हमें फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है. तो अब हमने क्या करना है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इसके साथ क्या है मास इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 ओवर. रेडियस क्या है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है हमें उसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर में, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमें जो भी आंसर मिलेगा उन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे. तो हम इसको सोल्व करके हमें क्या आंसर मिल रहा है इसका, 17.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे पावर है 10 टू द पावर माइनस 1, इट मीन्स क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 10, इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉइंट क्या करेगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा. तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1.1707 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. क्यों लिख सकते हैं 1, क्योंकि जब हमारे पास पॉइंट के एक डिजिट के बाद अगर हमें हमारी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो हमारे पास एक आगे वाली वैल्यू में 1 रेज कर जाता है. यानी कि जैसे यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो हमें ये आंसर इसका मिलेगा. सो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ठीक है. उसके बाद हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल. सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है. इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर एंड डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सीसी. फाइंड जी ऑन इट्स सरफेस एंड कैपिटल जी हमें गिवन है. सो अब हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे. हमें एक तो आर गिवन है रेडियस, ये हमें आर गिवन है. उसके बाद हमें गिवन है डेंसिटी, ये डेंसिटी हमें गिवन है. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो ये है. हमें ये पता है इसकी जो वैल्यू है फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू पता है. कैपिटल एम हमें नहीं पता और हमें आर की वैल्यू पता है. कैपिटल एम हम निकालेंगे डेंसिटी से. सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है किलोमीटर्स में गिवन है, बट हमें चाहिए किस में होती है, ये मीटर्स में चाहिए. तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स हो जाएगा. जब हम इसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. जब हम इसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी.
उसके बाद हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डेंसिटी। ये देखो हमें डेंसिटी गिवन है। वैसे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे स्फीयर गिवन है तो यहाँ पे हम स्फीयर की वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मास की वैल्यू निकालेंगे तो मास हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। डेंसिटी हमें क्या गिवन है, 5.5 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी है, पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी पर मीटर क्यूब पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे। रो की वैल्यू है 5.5 इंटू 10^3। उसके बाद हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 πr³। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले के अंदर और वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी मास की। सो अब हम क्या करेंगे, मास जो वैल्यूज है हमें, ये तो हमारे पास गिवन हो गया, ये गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखो जी की वैल्यू कैपिटल जी इंटू एम ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10^-11। कैपिटल एम इज 5.5 इंटू 10^3 इंटू 4/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब। इसके अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, 6.4 इंटू 10^6 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे आर की वैल्यू डालने की बजाय मैं क्या करूंगी, देखो आर की वैल्यू डालने की बजाय यहाँ पे मैं आर स्क्वायर ही लिखूंगी। क्यों, क्योंकि ऊपर आर क्यूब है, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल होके ऊपर न्यूमिरेटर में सिंगल आर बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका सीधा आंसर मिल जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर की वैल्यू ऊपर चलेगी डिनोमिनेटर में, क्या डलेगी, 6.4 इंटू 10^6। डिनोमिनेटर में यहां क्या है, 3, और यहां पे क्या है, 7। सो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमिरेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमिरेटर को सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 982.38 इंटू 10^-2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9. मतलब ये मल्टीप्लाई 10^-2 है, -2 क्या करेगा, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो ये दो पॉइंट्स क्या कर जाएंगे, आगे शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे 100 है तो दो पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें जी की वैल्यू मिलेगी। सो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स को, सिर्फ इसमें यही एक फॉर्मूला लगेगा, आप ये न्यूमेरिकल्स खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो भी कैलकुलेटिव ही है सारा पार्ट, तो हम वो भी आज ही कंप्लीट कर देंगे। सो अब हम टॉपिक करेंगे मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो सबसे पहले हम करते हैं अर्थ का मास निकालेंगे। अर्थ का मास कैसे निकालेंगे, हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला हमें पता है, विच इज जी कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में क्या है, मास। तो हम यहां से मास निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, ये हमें मास मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, और ये भी हमारे पास वैल्यू होती है इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, 9.8। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे।
सो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है 6.4 इंटू 6.4 हो जाएगा इंटू 9.8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और उसके बाद हमें इसको डिवाइड कर देना है 6.67 से। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमें जो मास मिलेगा अर्थ का वो होगा 6.018 इंटू 10^24 kg। ये हमें मास मिलेगा अर्थ का। सो अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ हम कैसे निकालेंगे, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है, मास को तो हम एज इट इज एम रखेंगे और वॉल्यूम क्या ले लेंगे, हमने क्या कंसिडर किया था, जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें भी क्या लिया था, स्फेरिकल लिया था, तो स्फीयर की यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी हमने कंसिडर किया है कि कोई भी हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस आर है और उसकी डेंसिटी है वो रो है। तो हमने वहां से क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम ले ली है स्फीयर की, स्फीयर की वॉल्यूम यहाँ पे लगाई है हमने। यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, ये जो नीचे है 4/3 है, 3 को ऊपर लेके जाएंगे हमें मिलेगा 3m/4πr³। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर स्टार। उसके बाद हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ये होती है। उसके बाद हमने यहां से क्या करना है, मास की वैल्यू निकालेंगे, मास की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। उसके बाद इस मास की वैल्यू को हमने क्या कर देना है, इस डेंसिटी में पुट कर देना है। मास की वैल्यू को हमने डेंसिटी में पुट किया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मास की वैल्यू को हमने इसके अंदर डालना है, तो यहाँ से आर एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, दो मतलब नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर है तो नीचे एक आर बच जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज हम कैसे डालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज डालना स्टार्ट कर रहे हैं। रो इज इक्वल टू 3 × 9.8 अपॉन 4 × 22/7 ऊपर चला जाएगा। आर की वैल्यू क्या है, 6.4 × 10^3। और यहाँ पे जी है, डिनोमिनेटर में ही जी भी आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर में ही मैं इसको थोड़ा आगे करके लिख देती हूँ, 4 × 22 × जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 6.4 × 10^6 × 6.67 × 10^-11। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, 0.0547 × 10^5। यहाँ से अब हमने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5.47 × 10^3 kg/m³। और रो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है पॉइंट के बाद, जब हमारे पास सेकंड डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आगे वाला जो एक डिजिट है उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 5.5, ये अप्रोक्सीमेटली डाल देंगे, 5.5 × 10^3 kg/m³। यही थी हमारी आज की वीडियो, सारा का सारा इसके अंदर कैलकुलेटिव पार्ट ही था, जो हमारा टॉपिक था मास और डेंसिटी वाला, इसके अंदर भी हमें कैलकुलेशन ही करनी थी। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और आप ऐसे ही न्यूमेरिकल्स और भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।